हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जायका ऑफ फूड। आज मैं आप लोग के साथ शिमला मिर्च पनीर की रेसिपी लाई हूँ। तो शिमला मिर्च पनीर बनाने के लिए हम लोग को क्या क्या चाहिए देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने पनीर ले लिया है 1/2 kg। ये मैंने प्याज ले ली है। इस प्याज को मैंने दो तरीके से काटा है, मैं भी आपको बता दूंगी। उसके बाद शिमला मिर्च ले रखे हैं मैंने, टमेटो प्यूरी, जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और ये मैंने ले रखा है नमक, लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला। तो चलिए शिमला मिर्च पनीर बनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैंने इस एक कढ़ाई में तेल डाल दिया है और तेल गरम हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी शिमला मिर्च और प्याज, दोनों को मैं फ्राई करूंगी तेल में। इसमें मैं प्याज डालूंगी, मैंने प्याज को मोटा मोटा काट रखा है, आधी प्याज को। तो इसको ही मैं डाल देती हूँ, और आधी प्याज को मैंने बारीक काट रखा है, वो मैं बाद में डालूंगी। तो इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो शिमला मिर्च और प्याज को फ्राई होते हुए 5 मिनट हो गए हैं, और ये अच्छे से फ्राई भी हो गया है। अब मैं इसको निकाल लूंगी। दोस्तों, मैंने शिमला मिर्च और प्याज को निकाल लिया है एक प्लेट में। अब ये जो बचा हुआ तेल था, मैं इसमें डालूंगी जीरा। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी बारीक कटी हुई प्याज। जीरा को थोड़ा सा चटकने देंगे, उसके बाद मैं डालूंगी इसमें बारीक कटी हुई प्याज। अब मैं प्याज को पकाऊंगी, गोल्डन ब्राउन होने तक। उसके बाद आपको दिखाती हूँ। दोस्तों, प्याज तकरीबन गोल्डन फ्राई हो गया है। अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। मैं इसमें डालूंगी 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। साथ में मैं इसमें डालने जा रही हूँ टमेटो प्यूरी, 4 टेबलस्पून डालूंगी मैं। भून लूंगी मैं इसको। अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबलस्पून गरम मसाले। इन सब मसालों को मैं तेल में अच्छे से भून लूँगी। 5 मिनट तक भूनती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो सारे मसाले को तेल में भूनते हुए 5 मिनट हो गए हैं, और ये अच्छे से भुन गए हैं। अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ जो हमने शिमला मिर्च और प्याज को फ्राई करा था, ये पूरा मैं इसमें डाल दूंगी और अच्छे से मिक्स कर दूंगी मैं इसको सारे मसालों में। इसको भी मैं थोड़ा देर तक भूनूंगी मसालों के साथ। इसको मैं 2 मिनट तक भून लेती हूँ मसालों में। मैंने फ्राई हुए शिमला मिर्च और प्याज को अच्छे से मसालों में भून लिया है। अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ पानी। आप अपने अकॉर्डिंग पानी डाल सकते हैं। थोड़ा सा और मैं इसमें पानी डालूंगी। अब मैं साथ ही साथ इसमें पनीर भी डाल दूंगी। मेरे पास 1/2 kg पनीर है, मैं सारे पनीर को इसमें डाल दूंगी। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लूंगी। तो मैंने पनीर को भी सारे मसालों में अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको स्लो फ्लेम पर पकाऊंगी तकरीबन 10 मिनट तक।
उसके बाद ही बनकर तैयार हो जाएगा। तो शिमला मिर्च पनीर को मैंने 10 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर पका लिया था, फिर मैंने गैस को बंद करके इसको निकाल लिया है, सर्व कर लिया है। तो शिमला मिर्च पनीर बनकर बिल्कुल ही तैयार है और आप देख सकते हैं कैसे बनकर तैयार हुआ है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल जायका ऑफ फूड को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।